हो जाइए सावधान अगर आप यूरोनोवा का रेफ्रिजरेटर या कोई भी उससे मिलती जुलती आइटम लेते हैं, क्योंकि अब यूरोनोवा में बहुत कंप्लेन आ रही है। गाजियाबाद एसएस इंटरप्राइजेस, जो कि उपभोक्ताओं को करता है गुमराह, एक साल पुराना रेफ्रिजरेटर बेच दिया मेरठ माया मेगा मार्ट एंड किराना स्टोर को। एक मामला रेफ्रिजरेटर जो कि एसएस इंटरप्राइजेस गाजियाबाद सेक्टर 2A9 नियर पीएनबी बैंक वैशाली गाजियाबाद से 20 अगस्त 2020 को मेरठ में माया मेगा मार्ट एंड किराना स्टोर ने परचेस किए थे। इस प्रकरण में डिस्ट्रीब्यूटर ने सन 2019 मॉडल के खराब फ्रिज दे दिए, जो बार बार कंप्लेन कराने पर भी सही नहीं हो पा रहे। मेरठ माया मेगा मार्ट के ऑनर ने कंपनी में कंप्लेन की तो वहां से जो भी मिस्त्री आया उसने वह फ्रिज ठीक नहीं हो पाया। कारण पुराने साल का फ्रिज, दूसरा कारण फ्रिज का ठंडा नहीं करना, जो कि उनके मिस्त्री की भी पकड़ में नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने कंप्लेन करी तो संजय मालिक, जो यूरोनोवा कंपनी का कार्य देख रहे हैं, वह भी अब फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बाद उन्होंने पवन का नंबर दिया, पवन भी फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद बराबर कंप्लेन चलती रही जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। जहां पर भी फ्रिज लगे हुए हैं वहां पर भरपूर पार्टी का नुकसान हो रहा है। उसके बाद एक नंबर जिसको कंपनी की शिल्पा देख रही है, उन्होंने भी उनके सीनियर का नंबर नहीं दिया। ऑनर की बात हुई, उसके बाद उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब माया मेगा मार्ट के ऑनर का कहना है कि यूरोनोवा फ्रिज किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतना खर्च करने के बाद में भी ना तो फ्रिज सही हो पाया और ना ही दुकानदार के पैसे वापस हो रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि अब इस रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कबूतर के बच्चे, कबूतर चिड़िया के बच्चे, खरगोश के बच्चे पालने पड़ेंगे, क्योंकि यूरोनोवा रेफ्रिजरेटर कंपनी अब फेल हो चुकी है। इनके सीनियर अधिकारी भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना ही उपभोक्ताओं का फ़ोन उठा रहे हैं। बिल की कॉपी साथ में लगी है। मेरठ मंडल ब्यूरो, सुशील रस्तोगी की रिपोर्ट। आप क्या कार्यरत हैं? मैं स्टोर मैनेजर हूँ। आपकी फर्म का नाम? माया मेगा मार्ट। क्या प्रॉब्लम आ रही है यूरोनोवा फ्रिज में? दरअसल ये हमने अगस्त 2020 को लिए थे, 8 अगस्त 2020 को, और अपना इसमें दिक्कत आ रही है फ्रिज में। जब से आए हैं तब से इसमें दिक्कत है। एक तो उन्होंने पहले हमें 2020 में बिलिंग करी है और मॉडल इसका 2019 का, ठीक है। उसके बाद ये जब आया था तो ये ऊपर से टूटा हुआ था, ये वाला देखो, आप देख सकते हैं ऊपर से गिर जाएगा। यहाँ पर हमने इंजीनियर को कंप्लेंट करी, इंजीनियर आया, उसे चेक करा, उसने आगे इसको ठीक करा, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। कभी कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, कभी हीटिंग की प्रॉब्लम है, कभी कहते हैं कि हमारे शोरूम के एसी नहीं चल रहे, जबकि एसी अच्छे, अब एक क्लास हमारे शोरूम में एसी हैं। 7 से 8 बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। इंजीनियर आता है, चेक करता है, कभी कुछ खराब हुई, कभी कुछ खराब हुई। आज आपके फ्रिज में ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, इस तरह से बोल के चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें कि ये फ्रिज सही नहीं कर रहे? ये बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है कंपनी का? कंपनी के जो सीनियर हैं, एक तो पवन जी, पवन नाम है उनका, पवन जी, एक संजय मलिक हैं, ये फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और कंप्लेंट कर चुके हैं कितनी बार, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो आपका यूरोनोवा के प्रति क्या भावना है? आप इसको अगर ये नहीं चलेगा तो आप इसमें क्या रखना चाहेंगे? मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं इसको सामान को निकालूँ और इसमें जो है कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के, कबूतर, खाना, मतलब इस तरह से जानवरों के लिए उनका घर बना दूँ।